उर्दू का जो क्वेश्चन था, तो उर्दू का मेरे ख्याल से ऐसा लैंग्वेज बैरियर आता है, नो डाउट इन दैट। एक जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज में बोलिए, उर्दू मीडियम से, हम दोनों उर्दू मीडियम से हैं, हमने भी अपने अपने चैलेंजेस फेस किए हैं। तो लेकिन मुझे जो लगता है कि उर्दू वालों में एक मतलब कहीं ना कहीं वो एडॉप्टेबिलिटी वाली जो लर्नेबिलिटी है वो स्किल ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज दे हैव टू लर्न इंग्लिश, दे हैव टू अडॉप्ट देमसेल्फ इनटू द मॉडल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो बहुत सारे आजकल उर्दू से ही पढ़े लिखे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स आप देख सकते हैं। तो और दूसरा ये है जो इंग्लिश मीडियम का जो हमारे पास जो एक व्हाट डू यू कॉल इट, एक जो वहम है या भूत सवार है, तो वो फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड तक अच्छा लगता है। बच्चा आके इंग्लिश में स्टोरी सुनाता है, पोएम सुनाता है आप लोगों के सामने, गेस्ट के सामने, आपको भी अच्छा दिखता है। बट आगे जाकर वो जो इंग्लिश मीडियम का स्टेटस और इंग्लिश मीडियम का लेवल मेंटेन करना है वो नहीं हो पाता है, बिकॉज हमारी सोसाइटीज, हमारे घर, हमारा कल्चर वो इंग्लिश स्पीकिंग में नहीं आता है। तो ही हैज टू स्पीक इन इंग्लिश, वो बोलते हैं ना टॉक इन इंग्लिश वॉक इन इंग्लिश, तो वो वाली चीज हमारे अंदर नहीं आती है। उतनी मेहनत वो उर्दू में कर ले तो वो शायद एक अच्छा स्किल डेवलप कर सकता है। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना इज नॉट अ सोल्यूशन। आपको बच्चे में स्किल डालना और टाइम डालना, आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। इंशाल्लाह वी कैन डिस्कस। मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, खासतौर से औरंगाबाद की अगर मैं बात करूँ तो अब ये जितने आप औरंगाबाद के इंटर, खासतौर से औरंगाबाद हैदराबाद की अगर हम बात करें, भिवंडी की अगर बात करें, मालेगांव की बात करें, तो यहाँ जितने इंटेलेक्चुअल बैठे हैं ये सबने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की है, जी सबने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि इंग्लिश मीडियम को इस कदर जो है तो हाइप दे दी गई इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने के वास्ते कि एक ऑटो ड्राइवर का बच्चा भी अगर पढ़ना पा, वो भी बेचारा अगर पढ़ाना चाहते हैं, नो डाउट सबको हाथ से पढ़ाने का, तो वो भी अंग्रेजी मीडियम से अपने बच्चे को डाल रहा है, जी पढ़ाना चाहिए सर। लेकिन आपकी मदर टंग उर्दू है, आप जिस स्कूल में उसको दाखिला दिलवा रहे हैं, आप उस एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात करें, मैनेजमेंट से ये बात करें कि भाई हमारे बच्चे को आप मदर टंग भी सिखाएं, जी मदर टंग भी सिखाएं। लेकिन सही है। एक एक हिसाब से क्या हो रहा है कि औरंगाबाद में अगर मैं देखूँ ना, तो वो क्या होता है कि हर स्कूल जो है ना वो सर पे टोपी पहना देता है बच्चे के, और हाथ में कुरान शरीफ दे देता है, तस्बीह दे देता है, और अपने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देते हैं, सही है सही एजुकेशन इन इस्लामिक एनवायरमेंट, सॉरी है। टू से यू, के अंग्रेजी मीडियम से पढ़ने वाले मुसलमान मुर्तद नहीं हो गए, नऊज बिल्ला, सही है वो तो ज्यादा नहीं, नहीं दे आर उसमें स्टिल मुस्लिम्स। दे स्टिल मुस्लिम्स ट्रू तो बराए मेहरबानी आप एजुकेशन को एजुकेशन की तरह ही रखें, सही है। आप अपने स्कूल्स में क्या बेहतर टेक्निक्स के साथ इनको लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं, केमिस्ट्री सिखा रहे हैं, बायोलॉजी सिखा रहे हैं, मैथ सिखा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आप उस पर तवज्जो दीजिए। ये बहुत तल्ख हकीकत है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इससे मुत्तफिक भी नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा हम कंपेयर करें कि हम हमारे दोस्त अहबाब भी है जो मतलब मेरी नमाजें छूट जाती कभी कभी, लेकिन मेरे अंग्रेजी मीडियम दोस्त की नमाजें नहीं छूटती है सर, सही है वो एक इंडिविजुअल पे ये अगर फैक्ट है। तो दीजिए। नहीं नहीं सही बात है। और उसमें ज्यादा स्किल कहाँ से, तो एनीवेज आई थिंक ये जर्नलिज्म से हटकर डिस्कशन आई हाँ थिंक एक सवाल था, काफी देखना आता है इसलिए मैंने भी डिस्कस कर लिया। कई सारी चीजें हैं जो आई थिंक वेरी गुड पॉइंट्स जो मेंशन भी हुए और आप भी बता रहे हैं।